सिस्टर का नाम राजबीर कौर है और जे अमृत सरवल्ला गांव के रहने वाले हैं। और जे सिस्टर की गवाही जे जे सिस्टर 5 साल से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और जे सिस्टर की गवाही जे कि आज से 17 साल पहले इनके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनकी पूरी बॉडी में दर्द दर्द रहती थी। इनके हाथ पाँव के कुंड मुड़ जाते थे और जे बता रहे कि बेड के ऊपर इनका बाथरूम भी निकल जाता था और जे बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहे थे। और जब इनके पास प्रभु की गुड न्यूज पहुंची, इन्होंने विश्वास किया तो परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से उस समय इनको आजाद कर दिया। पर जे सिस्टर बता रही कि जब जे संगति में तो आ रहे थे पर आज से 1 महीना पहला जे सिस्टर 1 महीने से जे संगति में नहीं थे आ रहे, जिसके कारण फिर से जे ही प्रॉब्लम इनके जीवन में आ गई। फिर से इनकी बॉडी में दर्द स्टार्ट हो गया, हाथ पांव के कुंड मुड़ गए और बहुत ज्यादा दर्द रहती थी और फिर से बेड के ऊपर बाथरूम भी निकल जाता था। और जे बता रही कि जे बहुत परेशान थे। जैसे इन्होंने फिर से प्रभु के दास के साथ पर्सनल मीटिंग को किया, इनको उत्साहित किया गया और विश्वास को जैसे इन्होंने फिर से अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाया और आज ये बता रही कि परमेश्वर ने फिर से इनको जो पूरी प्रॉब्लम में थे आज पूरी प्रॉब्लम से इनको आजाद कर दिया। इस गवाही के लिए जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे क्लीसे इस गवाही के लिए। सुनो 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 सुनो, समझ आई सबको हालात क्यों आती? फिर से ये सेकंड गवाही आपके सीख के लिए, पहले बच्चे की अब इनकी, बोलो क्या है? ये सेकंड गवाही है आपकी सीख के लिए ताकि आप बने रहो जो वचन कहता है। क्यों लिखा, क्यों परमेश्वर ने अपना वचन दिया गलातियों 5:1 में कि मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया और अपनी आजादी में क्या रहो, सिर और गुलामी के जुए में फिर से। देखो 17 साल की कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, बोलो क्या है? ये तो आपने बताया नहीं है कि बोला पापा ये 17 साल से, 17 साल से जी। और ये आज से कितने साल पहले आपको ये गुड न्यूज मिली? 5 साल, 5 साल ये तो बोला नहीं आपने। सुनो सुनो ठीक है, सुनो 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 सुनो, तो आज से 5 साल पहले इनको गुड न्यूज मिली और परमिशन ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम से क्या किया, इन्हें फ्री किया, अच्छा किया। क्या किया? पूरी बॉडी में दर्द रहती थी, हाथ पैरों के कुंड मुड़ जाते थे ऐसे और बेड पे ही इनका क्या निकल जाता था, अपने आप बाथरूम निकल जाता। और 17 साल से फिर हाँ, फिर शादी होगी और शादी होने के बावजूद भी बच्चे भी हो गए, फिर भी ये हालात इनके ऊपर था जब ये 5 साल पहले आए थे, मुझे याद है। बोल के क्योंकि तब से ये इसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, कहीं गए तो नहीं है वैसे, तो मुझे याद है कि 5 साल पहले जब खुदा ने इन्हें फ्री किया, बोलो क्या है? देखो कैसी सुनने में तो आएगी कि लोग क्या सोचेंगे, पर जब हम प्रभु की महिमा करते हैं जो शर्माते हैं, परमेश्वर ने कभी भी ब्लेस नहीं करता। बोलो क्या है? कभी भी उन्हें ब्लेस जो अपनी उन चीजों को छपाते हैं। पर ये खुदा ने फिर से इन्हें अच्छा किया है और हालात परमेश्वर ने नहीं इनके कारण ही आया, क्योंकि फिर से 1 महीने से इन्होंने खुदा की हजूरी में आना क्या कर दिया। कितनों को समझ आ रही है? 1 महीना फिर से इन्होंने प्रभु की हजूरी में आना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और 17 साल की बीमारी जो आज से 5 साल पहले परमेश्वर ने बिल्कुल इन्हें फ्री किया, अच्छा किया, फिर से वो सेम वही कंडीशन फिर से दोबारा इनके ऊपर आ गई। फिर से वही 17 साल की प्रॉब्लम, बेड पर बाथरूम, अपने आप वही बॉडी में पूरी दर्दें कुंड मुड़ना शुरू हो गए, सब कुछ वैसा हो बोलो। पर जैसे ही फिर से मीटिंग की, देखो परमेश्वर भला है। बोलो क्या है? परमेश्वर भला है कि नहीं भला? पर मैं एक चीज आपको बताता हूं कि अगर आप बार बार इस तरीके से करोगे, बोलो, क्योंकि बार बार अगर मैं ऐसा करते हैं तो फिर से बाइबल में बताती है कि हम यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? ऐसा करके हम बार बार फिर चंगे होगे, फिर करेंगे तो हम बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, हम बहुत गलत कर रहे हैं। फिर समझ आ रही है? पर धन्यवाद है उस परमेश्वर का जो भला है, जो सच्चा है, जो हमें माफ करता है।
क्या करता है, जो हमें माफ करता है। और देखो फिर से परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया है, तारीफ करो छोर से। आदर दे योगी यसु, महिमा दे योगी यसु, आदर दे योगी यसु, महिमा दे योगी यसु, दुखियानु दे दानु आराम।